कला और संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखंड के वासियों के द्वारा नित प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं आज एक ऐसी ही कला विधा को जो कि यहाँ के स्थानीय नैनीताल शहर में लोगों के द्वारा आयोजित की जा रही है। हमारे जो गेरू पे हम लोग लगाते हैं, हम बार से हम लोग उसमें डिज़ाइन यूज करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसको हम आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की भी है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर को यहाँ पे जो गेरू से लिपा हुआ है इसमें हम बिस्वार से कुछ हम चौकी बनाएंगे जिसमें हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, मतलब पूरे अच्छे से डिज़ाइनिंग करेंगे और दिखाएंगे कि हम संस्कृति को भूले नहीं हैं और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम ज्योति भट्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे गेरू पे इस तरीके से लिख रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग पेंट का ज़माना आ गया है, पेंट लगा रहे हैं, सब रेडीमेड टाइप का होने लग गया है। ये हमारी जो है पारंपरिक प्रथा होती है, ये पहले से यही चलता आ रहा था और यही शायद अच्छा भी था, और हम लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो आज हम यही कर रहे हैं कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, फिर से उनको अपने समाज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। करने से सबसे पहले हम वसुधारा बनाते हैं जिसमें कि विषम संख्याएं होती हैं, 3, 5, 7, 9 या 11 हम लाइन देते हैं और बीच में हम थोड़ा सा इसमें गैप रखते हैं। उसके बाद बाकी अर्पण हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे स्वस्तिक हो गया। आज सबसे पहले हम स्वस्तिक बनाने वाले हैं, अभी हम फिलहाल वसुधारा बना रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि मित्र संस्था के तत्वावधान में नैनीताल में अर्पण प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। लोक परंपराओं के स्वरों को पिरोने के लिए हमारे बीच कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी आए हैं जो कि लोक गीत और सगुन आखर आदि में भी विशेषज्ञता रखते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, आइए सुने कुछ लोकगीत और सगुन आखर इस पावन अवसर पर। सोरंगीलो पाटला चली कमल को फूल सोई फूल मोला सीता दे बहु रानी पुत्र हमेशा आगे को जिसके घर में सुकार्य होता है उसके नामों के साथ इसका उच्चारण उनके घर के उसका उच्चारण किया जाता है। हमारे साथ हैं मित्र संस्था के अध्यक्ष श्री भुवन कर्नाटक जी, आइए जानते हैं उनके संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा। हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक कला की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में मित्र संस्था अपनी ओर से योगदान देते हुए अर्पण प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति कुमाऊनी कला अर्पण कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर दिया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम, इसके तहत हम आज नैनीताल शहर के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।
ये इनका हाथ बहुत सही चल रहा है देखिए। हाँ इतनी फास्ट तो मतलब एक्सपर्ट का ही हाथ चलता है। अच्छा